नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर, मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। चंपावत की जनता को मिली करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात, सीएम धामी ने किया शिलान्यास। उड़ीसा ट्रेन हादसे पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी ने जताया दुख। गणेश जोशी के सामने युवक की पिटाई पर भड़की कांग्रेस, का संविधान की शपथ लेने वालों के सामने पिट रही जनता। देवभूमि के तीन मंदिरों में लागू हुआ ड्रेस कोड, महानिर्वाणी अखाड़े में महिलाओं और युवतियों से की विशेष अपील। देहरादून में स्ट्रीट लाइट की देखभाल करने वाली कंपनी के कर्मचारी धरने पर बैठे, 4 करोड़ के बकाया भुगतान की मांग। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के लिए करीब 50 करोड़ 54 लाख रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं के शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों की समस्या को भी सुना। उड़ीसा रेल हादसे पर शोक संवेदनाओं का दौर जारी है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी रेल हादसे और इसमें जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना प्रकट की है। राजधानी देहरादून के डाकरा बाजार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के सामने युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद विपक्ष भाजपा पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने तो सत्ता पक्ष के नेताओं की नैतिकता पर ही सवाल उठा दिए हैं। हरिद्वार के दक्ष, पौड़ी के नीलकंठ और देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में महिलाओं के छोटे कपड़े पहनकर आने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मंदिर प्रबंधन की तरफ से अपील की गई है कि वो मर्यादित ड्रेस कोड में ही मंदिर में आए। आस्था इलेक्ट्रिकल्स के सभी कर्मचारी राजधानी देहरादून के दीनदयाल पार्क में ईएसएल कंपनी और नगर आयुक्त के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों ने कहा कि हमारे द्वारा नगर निगम क्षेत्र में ईएसएल और नगर निगम देहरादून के लिए पिछले 5 सालों से स्ट्रीट लाइटों की देखभाल और स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य किया जा रहा है। पिछले 1 साल से लाइट मेंटेनेंस का बकाया लगभग 4 करोड़ रुपए ईएसएल और नगर निगम की आपसी खींचतान के कारण नहीं दिया गया। खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के आपसी झगड़े में इस बार भाषा की सारी मर्यादा पार हो गई है। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष किए, बात गंगा में फेंकने और थप्पड़ मारने तक पहुंची। उत्तराखंड के राज्यकर्मियों, स्वास्थ्य निकाय और उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया है। महंगाई भत्ते का लाभ जनवरी 2023 से मिलेगा। उत्तराखंड में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। शुक्रवार दिन में उत्तरकाशी में रोडवेज के पहिए सड़क के बाहर निकल गए थे और बड़ा हादसा बाल बाल बचा था। रात में रामनगर में रोडवेज की बस नेशनल हाईवे पर पलट गई। इस हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। हल्द्वानी में तेज रफ्तार बाइक सवार भैंस से टकरा गया। इस हादसे में दोनों की जान चली गई। यह हादसा गड़प्पू के जंगल में हुआ। लक्सर के पंचलेश्वर पंचेवली शिव मंदिर में चोरी करने वाला आरोपी पकड़ा गया है। लक्सर पुलिस ने चोरी के आरोपी शकील को बेगम पुल से गिरफ्तार किया। शकील की निशानदेही पर मंदिर से चुराया गया घंटा और नकदी बरामद कर ली गई है। शकील की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।